सड़क पर जब गाड़ियों की संख्या बढ़ जाए या वहां कोई ऑब्स्टेकल आ जाए या फिर कोई एक्सीडेंट हो जाए तो वहां क्या होता है? जाहिर सी बात है, वहां गाड़ियां रुकने लगती है, वहां ट्रैफिक जाम हो जाता है। अब आप ये कहेंगे कि मैं अचानक ट्रैफिक जाम की बात क्यों करने लगा, तो आपको मैं बता दूं कि इस वीडियो में ट्रैफिक जाम की ही बात होगी, लेकिन ये ट्रैफिक जाम धरती पर नहीं हो रहा है, बल्कि ये ट्रैफिक जाम हो रहा है हमारे अंतरिक्ष में, हमारे ब्रह्मांड में। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिरकार वहाँ पे गाड़ियाँ तो है नहीं, फिर वहाँ ट्रैफिक जाम जैसी क्यों बात हो रही है? तो मैं आज जिस ट्रैफिक जाम की बात करने वाला हूँ उसमें वो तमाम तारे हैं, वो तमाम खगोलीय पिंड हैं, वो तमाम ब्लैक होल्स हैं जो इस ट्रैफिक जाम की वजह भी बन रहे हैं और इस ट्रैफिक जाम का हिस्सा भी हो रहे हैं। यानी कि ब्रह्मांड में जो ट्रैफिक जाम हो रहा है वो इन्हीं सब चीज़ों के कारण हो रहा है और इन्हीं सब चीज़ों के द्वारा हो रहा है। तो आज के वीडियो में इसी पर बात करने वाले हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और ये जानिएगा कि ब्रह्मांड में ट्रैफिक जाम का नज़ारा कैसा हो रहा है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महना मिस्ट्री। तो अगर इस महना मिस्ट्री चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको अगर अच्छा लग रहा है ये वीडियो तो इसको लाइक भी कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो ब्रह्मांड में जिस ट्रैफिक जाम की बात मैं कर रहा हूं उसकी वजह वो खगोलीय पिंड है, वो ब्लैक होल है जिसके कारण इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो रही है। और वैज्ञानिक भी ये जानकर बहुत हैरान रह गए कि क्या ब्रह्मांड में भी ट्रैफिक जाम जैसी स्थिति हो सकती है। और जब उन्होंने इसके बारे में ज़्यादा जानकारी जुटानी चाहिए, क्योंकि जब किसी इलाके में उन्होंने बहुत ज़्यादा खगोलीय पिंडों का जमघट देखा और उन्हें अपने पाथ से हटते हुए देखा, तो ये सोचने पर वो मजबूर हो गए कि आखिरकार ऐसा नज़ारा हमारे ब्रह्मांड में क्यों दिख रहा है, आखिरकार ऐसी कौन सी घटना वहाँ पर हो गई है, ऐसा कौन सा एक्सीडेंट हो गया है ब्रह्मांड में, ऐसा कौन सा ऑब्स्टेकल आ गया है ब्रह्मांड में जिसके कारण ये ट्रैफिक जाम जैसी स्थिति वहाँ पर पनप रही है। तो जब बहुत गहनता से जांचा वैज्ञानिकों ने तो इसकी जो वजह बताई उन्होंने वो भी बहुत चौंकाने वाली वजह है। उनके मुताबिक जो सुपर मैसिव ब्लैक होल्स होते हैं वही इस ट्रैफिक जाम की असली वजह बन रहे हैं। तो आखिरकार वो किस तरीके से इसकी वजह बन रहे हैं, इसके बारे में वैज्ञानिकों ने जब आगे बताया तो उनके मुताबिक जो बड़े ब्लैक होल्स होते हैं यानी सुपर मैसिव ब्लैक होल्स होते हैं, जब इनकी आपस में टक्कर होती है तो उसकी वजह से ब्रह्मांड में ट्रैफिक जैम जैसी स्थिति बनती है। दरअसल ब्लैक होल अपने आसपास मौजूद हर चीज को घसीट लेता है और आकाशगंगा में मौजूद हर चीज उसके चारों ओर घूमने लगती है और यही घुमाव ही पदार्थ की डिस्क को प्रभावित करता है जिसे ब्लैक होल अपना आहार बनाते हैं। इसके अलावा तारों और दूसरे मगर जो छोटे ब्लैक होल्स होते हैं उस पर भी इस घुमाव का असर होता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक जो सुपर मैसिव ब्लैक होल होते हैं उसके आसपास ऐसे घुमावदार व्यवहार की वजह से कॉस्मिक ट्रैफिक जाम लग जाता है। ये जाम जो छोटे स्टेलर ब्लैक होल्स होते हैं उनकी कक्षाओं को धीमा करने लगता है और जो अफेक्टेड ब्लैक होल्स होते हैं, जो प्रभावित ब्लैक होल होते हैं, वो इधर उधर भागते नहीं, उन्हें टकराने और विलीन होने और एक बड़े ब्लैक होल का निर्माण करने के लिए मजबूर किया जा सकता है। यानी जो बड़े ब्लैक होल्स की आपस में टक्कर होती है, उनका कॉलिजन होता है, तो उससे जो उसके आसपास मौजूद छोटे स्टेलर ब्लैक होल्स होते हैं वो जो अपनी कक्षा में घूम रहे होते हैं उनके घुमाव पे असर पड़ता है और उसके आसपास जब दूसरे ब्लैक होल्स आने लगते हैं, यानी जब ट्रैफिक जैम जैसी स्थिति पैदा हो जाती है और जो बड़े बड़े ब्लैक होल के बीच में टक्कर हो रही है उसके प्रभाव क्षेत्र में आकर के जो दूसरे स्टेलर ब्लैक होल्स हैं दूसरी जगह मौजूद हैं उसके संपर्क में और भी जो दूसरे छोटे छोटे स्टेलर ब्लैक होल्स हैं वो आना शुरू कर देते हैं और फिर उनकी आपस में टक्कर हो जाती है, ऐसी स्थिति बनने लगती है।
एग्जैक्टली वैसा ही जब आप सड़कों पर देखते होंगे कि ट्रैफिक जाम लग गया, फिर दूसरी गाड़ियां बगल से निकलने की कोशिश में लग जाती है, लेकिन उसी दौरान फिर आपस में भी टक्कर होने की गुंजाइश बनी रहती है। तो ऐसा ही कुछ ब्रह्मांड में भी होता है कि जब बड़े ब्लैक होल्स आपस में कलिजन कर रहे होते हैं, उनके जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, उनका जो प्रभाव क्षेत्र है, उसमें आकर के जो दूसरी चीज़ें रुकने लगती है, जो दूसरे स्टेलर ब्लैक होल्स रुकने लगते हैं, जो छोटे छोटे होते हैं, तो वो अपने पीछे आ रहे स्टेलर ब्लैक होल से टकराने लगते हैं और ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है कि उनके बीच में भी कोलिजन होता है और जब वो मर्ज हो जाते हैं तो वहाँ पर भी ब्लैक होल का निर्माण होना शुरू हो जाता है और इसके कारण और भी ज़्यादा ट्रैफिक जैम की स्थिति बनने लगती है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अंतरिक्ष में ऐसा ट्रैफिक जाम लगाने वाले ब्लैक होल बहुत बड़े होते हैं, यानी बहुत ही सुपर मैसिव ब्लैक होल्स होते हैं। अगर उसके मास की बात करें, उसके द्रव्यमान की बात करें, तो उनका द्रव्यमान हमारे सूर्य के मुकाबले कई करोड़ गुना या अरबों गुना ज़्यादा होता है और ये प्रक्रिया बार बार होती है, जिसके चलते और ब्लैक होल टकराते हैं और समय के साथ बड़े बड़े ब्लैक होल बनने लगते हैं और इनका मास सूर्य से 300 या कुछ सौ गुना ज़्यादा होता है, यानी एक अति विशाल ब्लैक होल यानी सुपर मैसिव ब्लैक होल जो होता है उसके आसपास का वातावरण अन्य ब्लैक होल को बड़ा करने में मददगार होता है। और जो कुछ सुपर मैसिव ब्लैक होल्स होते हैं उसके चारों तरफ गैस और धूल की डिस्क होती है जिसे एक्रेशन डिस्क कहते हैं। यही डिस्क ब्लैक होल को भोजन कराती, यानी उसका आहार जो है वो इसी डिस्क से मिलता है और जो सुपर मैसिव ब्लैक होल्स की ग्रेविटी होती है उससे इन एक्रेशन डिस्क में ताकतवर ज्वारीय लहरें उठती है और इसकी वजह से ये चमकती है और एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियस नाम का क्षेत्र तैयार करती है, यानी एजियन नाम का क्षेत्र तैयार हो जाता है इसके कारण। आपको बता दें कि ये जो ट्रैफिक जाम वाली खोज है ये ऑस्ट्रेलिया के मोनास यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने की है। उन्होंने एक्रेशन डिस्क और ब्लैक होल की डायनामिक्स पर रिसर्च की। जब ये स्टेलर मास वाले ब्लैक होल इन एक्रेशन डिस्क में बैठते हैं तो उनके आसपास की गैस के साथ इंट्रैक्शन उन्हें डिस्क के जरिए पलायन करने के लिए प्रेरित कर सकता है और वैज्ञानिकों के मुताबिक इससे सुपर मैसिव ब्लैक होल में माइग्रेशन ट्रैप कहे जाने वाले इलाके बन जाते हैं। इससे दो स्टेलर ब्लैक होल के आमने सामने पड़ने, टकराने और मिल जाने की संभावना बनती है। जी हाँ, तो अब आपने समझ लिया होगा कि आखिरकार जो ब्रह्मांड में ये ट्रैफिक जैम की स्थिति बन रही है वो क्यों बन रही है। तो उसके केंद्र में यही सुपर मैसिव ब्लैक होल्स होते हैं जिसके प्रभाव क्षेत्र में आकर के इस तरीके से ट्रैफिक जैम की स्थिति बनती है और जो छोटे छोटे स्टेलर ब्लैक होल्स होते हैं वो इसके प्रभाव क्षेत्र में आकर के आपस में टकराने लगते हैं या आपस में मर्ज कर जाते हैं और फिर धीरे धीरे बड़े ब्लैक होल्स का निर्माण होता है। और जब वो बड़े ब्लैक होल्स बनते हैं, जो मैसिव ब्लैक होल्स होते हैं, सुपर मैसिव ब्लैक होल्स होते हैं, वो धीरे धीरे फिर दूसरे सुपर मैसिव ब्लैक होल से टकराते हैं, यानी एक तरीके से ये एक्सीडेंट होने का सिलसिला बना रहता है और उस इलाके में जहां पर ये तमाम चीजें चल रही होती है वहां पर दूसरे खगोलीय पिंड भी फंसने लगते हैं और वहां पर एक बड़े ट्रैफिक जैम जैसी स्थिति बनने लगती है। तो यही रहस्य है ब्रह्मांड में हो रहे ट्रैफिक जैम की। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।